उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद अभी खाली हैं शिक्षकों के, इसके बारे में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा को मंजूरी दे दी है, इससे क्या कुछ बदलाव होंगे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में और आने वाली भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्राम पंचायतों में सहायक भर्ती जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होने जा रही है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है जो कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता से जांच करेंगे, इस पर भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सीटेट 2021 जिसके संदर्भ में सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा के पैटर्न और ऑनलाइन परीक्षा जैसे प्रावधान किए गए हैं, इस सबके बाद से कब से फॉर्म भरे जाएंगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ तमाम प्रमुख खबरों को भी देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट YouTube चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की गई है और नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सरकार पर दबाव बनाने के संदर्भ में जो उनके द्वारा प्रयास किए गए थे, उनके मुद्दे को उठाने के लिए उनके द्वारा उनको धन्यवाद दिया गया। आप एक वीडियो क्लिप देखिए। आज माननीय अखिलेश यादव जी से अभी मुलाकात, उन्हें ज्ञापन दिया गया है और उन्हें बताया गया कि हम 23 लाख प्रतीक्षित हैं, नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम सबकी मांग को इसी तरह वो लगातार उठाते रहे और ये उनका सराहनीय प्रयास था जो हम सबकी मांग को फेसबुक ट्विटर पर उठाया है। सपा के कुछ मंत्रियों का ये बयान आया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्रों का फिर से समायोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि अगर शिक्षा मित्रों को फिर से परमानेंट किया गया तो नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इसके संदर्भ में अभ्यर्थियों ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहा और क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में आप सुनिए। लेकिन जो कुछ समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं द्वारा शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाने की बयान दिया गया है, उस पर उन्हें विचार विमर्श करने के लिए कहा गया और बताया गया है कि अगर इस तरह की मांग और बयान को सपोर्ट करते हैं या इस तरह की मांग पूरी होती है कि 23 लाख डीएलएड प्रशिक्षित डीएलएड बीटीसी अन्य प्रशिक्षित इसपे विरोध करेंगे, इसपे विचार किया जाएगा। बात कर लेते हैं परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। स्क्रीन पर आप एक न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,712 पद खाली हैं। प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो 63,261 पद खाली बताए गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 9,451 शिक्षकों की कमी बताई गई है। वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के प्रधानाचार्य पद पर 53,778 पद रिक्त हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि समय समय पर जब आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जाती है तो 1,73,000 शिक्षकों के पद खाली बताए जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 63,000 ही क्यों बताया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि संसद में भी एक प्रश्न के जवाब में यही बताया गया था कि लगभग 1,50,000 से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के खाली हैं, लेकिन यहाँ पर 63,000 की ही क्यों बताया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 53,778 पद प्रधानाचार्य के खाली हैं, इस पर डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है और अभी कई स्कूलों में ऐसे भी कार्यभार प्रिंसिपल के पद पर दिया गया और वो सहायक अध्यापक के पद पर भी कार्यरत हैं, तो वहाँ पर एक ही बंदे का दो पोस्ट काउंट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर सहायक अध्यापक की पद मात्र 63,261 बताए जा रहे हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ पर सरकार की गलत नीति की वजह से ये पद कम बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले, चूँकि डायरेक्ट हायरिंग तो प्रिंसिपल के पोस्ट पर होगी नहीं, तो जो सहायक अध्यापक बहुत अनुभवी हो चुके हैं उनको प्रमोशन दे करके प्रिंसिपल के पोस्ट पर उनको तैनाती कर दी जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सहायक अध्यापक के पद पर वो पहले तैनात थे वो पद खाली हो जाएगा क्योंकि वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। उसके बाद से जब ये सभी प्रिंसिपल बन जाएंगे तो 63,000 में जब आप लगभग 53,000 जोड़ देंगे तो 1,00,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक के पद खाली हो जाएंगे, जो कि विभिन्न समय आंकड़े में प्रस्तुत भी किए जाते रहे हैं। तो ये कुछ नीतियां अपना करके 1,00,000 से ज़्यादा पदों पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अन्यथा की कंडीशन में अगर सरकार इसी प्रकार से गुमराह करती रही तो 50,000 तो वैसे ही उन्होंने बताया था कि 51,112 पद हमारे पास खाली हैं, वो कब बताया था, पिछले साल बताया था। उसके अलावा 22,000 पद तो ऐसे ही खाली हैं 68,500 से। इसके अलावा प्रत्येक साल 10 से 12,000 टीचर रिटायर होते हैं, तो ये सब आखिर आंकड़ा जा कह रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ही ये दावा कर रही है कि इस वर्ष अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा एडमिशन हुए प्रसिद्धि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि ऐसे बच्चे जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, बहुत से अभिभावकों की रोजगार चली गई इस कोरोना के मद्देनजर, जिसके बाद से वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने लगे। इन सबको देखते हुए बहुत भारी उछाल हुआ है एडमिशन में और उन सबको आरटीई एक्ट के अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता होगी, तो उस कंडीशन में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा भारी कमी है और ये जो 63,261 पद रिक्त बताया जा रहा है ये बहुत कम आंकड़ा है। लगभग 1,25,000 से 1,50,000 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार।
2013 के बाद से प्रदेश की वर्तमान सरकार या फिर उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अंतिम बार 29,000 गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई थी वर्ष 2013 में। 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रदेश की सरकार ने जो प्रमोशन हो रहे थे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय पर, उसमें भी एक तरीके से रोक लगा रखी है और डायरेक्ट भर्ती भी नहीं कर रही है। प्रत्येक साल वहाँ से टीचर रिटायर भी होते हैं और यहाँ पर जो 9,451 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी बताई जा रही है, ये इससे बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। 8 साल में कितने शिक्षक रिटायर हुए होंगे और प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। प्रदेश की सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया, उनके लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई। और बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा भी इसका विरोध किया जाना चाहिए था कि जब आप लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं तो फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। कोई अभ्यर्थी ये कहता है कि हमें टीजीटी पीजीटी में मौका दीजिए और कोई अभ्यर्थी ये कहता है कि हमें प्राथमिक में मौका दीजिए, जबकि चीज़ें ये चाहिए थी कि जब अलग अलग कोर्सेज आप बना रखें तो अलग अलग चीज़ों में उनके लिए अवसर पैदा करें। यहाँ पर सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक साल आप कम ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन प्रत्येक साल निकालिए। और प्राथमिक विद्यालयों में भी ये सिस्टम होना चाहिए कि आप भले ही 2,000-3,000 ही वैकेंसी निकालिए, 10,000 ही वैकेंसी निकालिए, लेकिन साल दर साल निकलनी चाहिए। जिस प्रकार से बैंकों में IBPS के माध्यम से भर्ती हर साल होती है, भले ही सीटों की संख्या कम क्यों ना हो, उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती में भी होनी चाहिए। जितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं या फिर जितने पद खाली होते जा रहे हैं, उसको साल दर साल आप भरते रहिए। एक ऐसी एजेंसी का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी या फिर ऐसे जो पहले के आयोग हैं वो सब बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं। उन सबको हटा करके अगर किसी प्राइवेट संस्था को भी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देनी पड़े तो उस प्रकार से कर करके प्रत्येक साल अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने लगे तो इतनी भारी संख्या जो बेरोजगारों की बैठी हुई है, 21 लाख बीएड बीटीसी अभ्यर्थी जो टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, उन सबको भी समायोजित किया जा सकता है। और 5 साल 7 साल में जब वैकेंसी आएगी तो अभ्यर्थी उसमें निश्चित तौर पर उसे अपना अंतिम अवसर मान करके उसमें धांधली करने की कोशिश करेंगे। तो सरकार को नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है कि प्रत्येक साल वैकेंसी निकालिए, भले आप 10,000 निकालिए लेकिन प्रत्येक साल निकालिए, और बीएड के लिए भी अवसर पैदा करिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। केंद्र सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी मिल चुकी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल, 5 साल में करीब 3,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब सभी राज्यों में प्री प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा जब उनकी आयु 3 से लेकर 6 वर्ष तक की होगी। ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर सहायक भर्ती के संदर्भ में नोडल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो कि सभी आवेदनों की निष्पक्षता से जाँच करेंगे और जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है उसके तहत कुछ गलत ना हो, इसकी पूरी निगरानी इन नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ऑफलाइन मोड में पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कितने भी आप ऑफिसर तैनात कर लीजिए वहाँ पर धांधली होगी ही होगी। जब तक आप चीज़ें ऑनलाइन नहीं करते या फिर सभी डेटा ऑनलाइन पब्लिश नहीं होता, तब तक इसमें धांधली के पूरे पूरे चांसेस हैं। CBSE के द्वारा सीटेट 2021 के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, CBSE के द्वारा सीटेट की परीक्षा से ठीक 4 महीने पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब जुलाई में परीक्षा होती है तो उस कंडीशन में फरवरी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और फरवरी लास्ट या फिर मार्च से आवेदन लिया जाना प्रारंभ हो जाता है। इसी के क्रम में दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में परीक्षा कराने के संदर्भ में CBSE ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उससे 4 महीने पहले आप देखेंगे तो लगभग मिड अगस्त से मिड सितंबर के बीच में आप लोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBSE के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। आप लोग तैयारी पूर्ण रखें, 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आवेदन CBSE के द्वारा लिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग तैयारियों पर जोर दीजिए, क्योंकि इस बार CBSE ने परीक्षा के पैटर्न में और प्रश्नों के प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव करने के संदर्भ में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आप सभी सीरियस होकर के सीटेट की परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार से महत्वपूर्ण बदलाव की बात कर रही है और CBSE ने उस बदलाव को शुरुआत भी दे दी है, तो हो सकता है कि साल दर साल इसमें और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है निगेटिव मार्किंग भी आ जाए, हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ भी आ जाए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इन सबको देखते हुए आप अच्छे से तैयारी करिए और एक अच्छा स्कोर गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अच्छा गेन कर लेंगे तो भविष्य में जाकर के इसके मार्क्स भी अगर ऐड होते हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब सीटेट या फिर यूपीटेट की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ला करके आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोल रही है कि इसके मार्क्स को भी वेटेज दिया जाए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इसके मार्क्स को भी जोड़ा जाए। भविष्य में जाकर के ये सभी भी बदलाव किए जा सकते हैं राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में। तो आप इन सब के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स सीटेट या फिर यूपीटेट के
रिजल्ट में देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।